अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना इरफान साहब से आप जो है वसीत अफरोज़ जो है बयान सुना आपने, खालिक और मखलूक का क्या रिश्ता है और इल्म किसको कहते हैं। जो इल्म अल्लाह के पास है, हज़रत खिज़र हज़रत मूसा अलैहि सलाम का वाक़िया बड़ा मशहूर है, सुना होगा आपने कि एक चिड़िए को देखा समुंदर के अंदर, जो समुंदर के अंदर, नॉट अ लेक, नॉट अ पॉन्ड, नॉट अ रिवर, नॉट अ स्ट्रीम बट ओशन, उसके अंदर जो है एक चोंच अपने प्यास को बुझाने के लिए डुबाई और उठाई। तो हज़रत खिज़र इस्लाम ने फरमाया कि ये मूसा अली सलातो इस्लाम, इसके चोंच में जो पानी लगा हुआ है ना, यही इल्म पूरे आलम का इल्म है और ये समुंदर मिसल अल्लाह के इल्म के। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो क्रिएशन के लिए, जो क्रिएटर ने क्रिएशन के लिए जो फैसला किया, उस पर क्वेश्चन करना हिमाकत है, है नहीं? सोचिए आप, ही नोज बेस्ट, ही नोज बेस्ट, वो सब कुछ जानता है, हम कुछ नहीं जानते। कलम पाक में उसने कहा, सबसे बड़ी बात है कि वी डोंट रीड कुरान, वी डोंट अंडरस्टैंड कुरान। आप अंदाजा लगाएं 40-50 साल की एक खातून जो इस्लाम की दुश्मन मुतनफ़िर, सबरीमाला नाउ नोन एज फातिमा सबरीमाला तमिलनाडु की, क्या कहती है वो हमसे, आपसे कहती है कि क्या चीज है तुम्हारे पास है मुसलमानों, क्यों छिपा के रखा है उसको, कुरान को क्यों छुपा के रखा है, उसको बाहर करो, बाहर करो, आम करो उसको। क्या रिश्ता है आज कुरान का हमारा? हमने तो बतलाया पिछले जुमे को कि शादी में कलम पाक के नीचे से लड़की को गुजार दिया जाता है, कलम का कुरान का ये हक है, क्या कुरान पाक को रख दिया जाए और नई नवीली दुल्हन को कुरान के नीचे से पार कर दिया जाए, मसला हल हो गया। भूत भगाने के लिए कुरान है, मुर्दों को जो है सवाब पहुंचाने के लिए कुरान है। अभी कुरान तो जिंदों के लिए उतरा था भाई, और जिंदों की जिंदगी में कितना कुरान है इसका अंदाजा आप खुद अपने आप से लीजिए। तो भाई इस्लाम से चिमट जाइए, बड़ी तेज आंधी चल रही है। अभी तो आ रहे हैं मौलाना क़यामुद्दीन साहब, तामत बरकातहु, उसके बाद मौलाना शमाल साहब आएंगे तो बतलाएंगे अपोस्टेसी इर्तदाद किस तेजी से, रेशियो भी उनके पास होगा इंशाल्लाह ताला, पूरा जो है खंगाल को निचोड़ कर लाए होंगे। तो बिला ताखीर जो है मैं मौलाना क़यामुद्दीन साहब को बुला रहा हूं। लिव इन रिलेशनशिप और निकाह, इसकी हकीकत कुरान और हदीस की रोशनी में, हज़रत मौलाना क़यामुद्दीन साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين وقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم। हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन, माएँ और बहनें, इंसान होने के नाते कुछ चीज़ें कदरे मुश्तरक हैं
और कुछ कदरों का एहतराम सारी इंसानियत करती रही है। मजहब से जिसका ताल्लुक है वो भी, और जिसका ताल्लुक मजहब से नहीं है वो भी, सब यही कहते हैं कि कुछ कदरें हैं जिनका एहतराम करना चाहिए। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, हमें गीबत नहीं करनी चाहिए, हमें किसी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, हमें भलाई और खैर के काम करने चाहिए, दूसरों को नफ़ा पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। हत्ता के लोग इस पर भी मुत्तफिक हैं कि बदकारी नहीं होनी चाहिए, गलतकारी नहीं होनी चाहिए, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, और इस पर भी लोग मुत्तफिक हैं कि इंसान के जो ताल्लुकात की नौईयत है मर्द व ज़न की, उस नौईयत में बहुत सारी चीज़ों को और बहुत सारे जो रिश्ते हैं उन रिश्तों से हट करके उसके बाद आदमी को निकाह करना चाहिए। तो इस पर मुत्तफिक है तकरीबन लोग कि एक पाकीज़ा ज़िंदगी, एक साफ़ सुथरी ज़िंदगी, एक मायारी ज़िंदगी और शख्सियत को उज्जल करने वाली चीज़ें और शख्सियत को निखारने वाली चीज़ें, इन चीज़ों को समझ करके और इन चीज़ों को बरत करके हमें ज़िंदगी बसर करने की ज़रूरत है। लेकिन इसके बावजूद जैसा कि कुछ लोग नादानी में नहीं बल्कि जानबूझ करके मुआशरे में फहाशी फैलाने को ज़रूरी समझते हैं और ख़ास तौर से वो इस्लामी तालीमात से टकराते हैं, चूँकि ये इस्लाम की तालीम है और इस्लाम ने पाकीज़गी और तहारत की तालीम दी है, और इस्लाम ये चाहता है कि एक पाकीज़ा मुआशरा दुनिया में वजूद में आए और लोग रिश्तों और नातों के एहतराम के साथ ज़िंदगी बसर करें। कुछ लोग ये चाहते हैं कि बहरहाल इसको सबूताज करने की ज़रूरत है और इसे ख़राब करने की ज़रूरत है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं या तजाहुल आरिफाना है कि जानबूझ करके वो भुलाने की कोशिश करते हैं और जाहिल बनते हैं कि इसकी बेशुमार ख़राबियाँ हैं। खुद दुनियावी एतबार से भी हम देखें तो भी, और अगर उखरवी एतबार से देखें तो भी, लिहाजा हमें ज़रूरत है इस बात को समझने की कि इंसान होने के नाते हमें पाकीज़ा होना चाहिए और हमें तहारत वाली ज़िंदगी और किरदार की बुलंदी और शख्सियत की ऊंचाई के साथ हमें ज़िंदगी बसर करना चाहिए। हर इंसान ये चाहता है कि कुछ लोग हमारी इज्जत करें और हमारी शख्सियत का निखार हो और कुछ लोग हमारी तौकीर किया करें। ये जब है जब इंसान के किरदार की बुलंदी लोगों के सामने आए और जब इंसान के अखलाक ऊंचे किस्म के हो और इंसान अपने अमल से कुछ ऐसी चीज़ें पेश करे कि जिससे दूसरे को नफ़ा पहुँचे और दूसरे को नुकसान न पहुँचे, माशरे में कुछ अच्छाइयाँ फैले ना कि उसके ज़रिए से कुछ बुराई फैले। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, इन्नल लदीन युहिब्बून अन तशिया अल फाहिशत फिल लदीन आमनु लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिल दुनिया वल आखिरा, के जो लोग ये चाहते हैं कि माशरे में फहाशी फैले, बुराई फैले, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए दर्दनाक अज़ाब मुकर्रर किया हुआ है। तो ये कितना सादा सी बात थी कि जो हर आदमी समझता भी है, लेकिन बहरहाल एक ज़िद है जो इस्लाम के ख़िलाफ़ लाने की कोशिश की गई है, और इसे बड़े सादे अंदाज से ये कहने की कोशिश की गई है कि इसमें हर्ज ही क्या है कि एक इंसान को प्यास लगी तो उसने किसी से पानी मांग करके अपनी प्यास बुझा ली, भूख लगी तो इंसान ने किसी से खाना मांग करके अपनी भूख मिटा ली, दूसरी ज़रूरतें दूसरों के ज़रिए से पूरी की जा सकती है, तो बिलआख़िर नफसानी ख्वाहिश को किसी और के ज़रिए से पूरी करने में हर्ज ही क्या है।
इसी तरह इस तरह भी बहाना किया जाता है कि भाई हम मर्द औरत के रिलेशन को इसलिए मुनासिब समझते हैं कि शादी से पहले उनको समझा जाए, उनके मिजाज व मजाक को समझा जाए और समझने के बाद फिर निकाह के बंधन में आदमी जुड़े, कि फिर जुड़ जाने के बाद अलहदा होना तो मुश्किल है। इसलिए बेहतर ये है कि निकाह से पहले के जो मराहिल हैं मिजाज व मजाक के समझने के अतबार से उसको हम तय कर लें, इसलिए एक साथ रहने को हम ज़रूरी समझते हैं। हालांकि आप देखें कि ये दोनों दलीलें बिल्कुल गलत हैं। एक तो ये है कि ये इंसानियत से गिरी हुई बात है कि इसको इस तरह से ताबीर किया जावे कि जैसे भूख लगे तो इंसान ने खाना खा लिया और प्यास लगे तो इंसान ने पानी पी लिया, तो जब इंसान के अंदर शहवत जागी तो इंसान ने उस शहवत को किसी और से मिटा लिया। ये इंसानियत और शराफत से गिरी हुई बात है। और इंसान होने के नाते अगर आप सोचें तो हम ये समझते हैं कि ये हैवानों का फेल है, किसी इंसान का फेल नहीं हो सकता। इसके लिए शरीयत ने तो एक हद मुकर्रर की है। हर इंसान, जो भी इंसान है, वो एक पाबंदी के तहत रहता है, चाहे वो उसका ताल्लुक मजहब से हो या ना हो, बहरहाल वो एक पाबंदी में है। शरीयत ने उस पाबंदी को बहुत अच्छे अंदाज से उजागर किया है और उसके हदूद बताए हैं, गो के दूसरे अदियान में या दूसरी कौमों में ये चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि हर इंसान आज़ाद ख्याल है और हर तरह की आज़ादी उसे मैसर है, ये नहीं कहा जा सकता। तो जब ये बात है कि बहरहाल एक लगे बंधे उसूल के तहत इंसान चलता है और एक हदूद और पाबंदी के साथ इंसान ज़िंदगी बसर करता है, तो इन चीज़ों में हदूद क्यों नहीं है? जहाँ पे नुकसान ही नुकसान है, जहाँ पे खसारा ही खसारा है, दुनियावी खसारा भी है और दीनी खसारा भी है, तो इसकी इजाज़त कभी भी नहीं ली जा सकती। ठीक इसी तरीके से जो ये कहते हैं तो उससे पहले समझने की ज़रूरत है, उसके लिए हमें एक साथ रहने की ज़रूरत होती है, तो हम समझते हैं कि ये दलील भी मुनासिब नहीं है। इसलिए कि किसी इंसान को समझने के लिए क्या ज़रूरी है कि उसके साथ रहा ही जाए? भाई उसको समझने के लिए उसकी गुफ्तगू आदमी सुन ले, उसके ख़ानदान को देख ले, उसकी तालीम को देख ले, उसकी मुआशरत को देख ले, उसके वालदैन को देख ले, और मुख्तसर सी कुछ बात करके भी आदमी उसके हालात को जान करके और उसकी गुफ्तगू से भी आदमी समझ सकता है कि ये किस मिजाज व मजाक का आदमी। तो हम ये नहीं समझते हैं कि उसके लिए बाकायदा रहने की ज़रूरत है। और फिर इसमें तो बेहयाई की एक इंतहा है कि रहने का मतलब बाकायदा रहना, यानी इज़दिवाजी ताल्लुकात के साथ रहना, तो फिर शादी का मतलब ही क्या रह गया? शादी का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। तो इसमें बेशुमार खराबियां हैं अगर आप गौर करेंगे तो, कि एक तो ये है कि इंसान की पाकीज़ा ज़िंदगी ये बदकिरदारी की तरफ जाती है, और पाकीज़ा मुआशरा जो हमें तश्कील होना चाहिए हमारे लिए, उस पाकीज़ा मुआशरे में एक खलल पड़ता है। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को पुरकशिश बनाया है। कुरान करीम ने खुद कहा, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, वला युदीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुउलतिहिन्ना। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, वला तखदअन बिलकौल फयतमअ अल्लज़ी फी क़ल्बिही मरदुन व क़ुलन क़ौलन मअरूफा। कि औरतें जब गैर मर्दों से बात करें तो उनकी आवाज़ में लचक नहीं होनी चाहिए, बल्कि लबो लहजा ऐसा होना चाहिए ताकि उसके दिल में किसी तरह की तमा और लालच पैदा ना हो सके। तो अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों में एक कशिश रखी है, और इंसान अगर ये समझे कि औरतों के साथ या किसी खातून के साथ रहने के बाद हम उसकी तरफ झुकेंगे नहीं, या उससे हम मुतासिर नहीं होंगे, या उसके साथ हमारे गलत ताल्लुकात नहीं होंगे, तो ये बिल्कुल खाम ख्याली है और ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए हदीस में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अला ला यखलुन रजुलुन बिइमरातिन इल्ला काना सालिसुहुमा अश्शैतान। के देखो, मर्द औरत जहाँ कहीं भी जमा होंगे तो तीसरा शैतान होता है, लिहाजा खबरदार कोई मर्द औरत तन्हाई में ना मिले। शादी से पहले एक साथ रहने की बेशुमार खराबियां हैं। दीनी एतबार से खराबी को आप देखें तो सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह की नाफरमानी है। अल्लाह तबारक व ताला का इरशाद है, वला तक़रबुज़्ज़िना, के ज़िना के करीब भी मत जाओ। चाहे जाए कि आदमी ज़िना करे,
अल्लाह तबारक व तआला ने दवाई ज़िना यानी ज़िना के जो असबाब हैं और ज़िना के जो वसाइल हैं उस तक भी जाने से मना कर दिया, और इसीलिए कुरान में गुज़े बसर का हुक्म है। और अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है वकुल लिल मुमिनात यगुदना, और उससे पहले है वकुल लिल मुमिनीन यगुदून मिन अबसारिहिम, के मोमिनीन अपनी आँखों को झुका करके चले। इसी तरीके से मोमिनात मोमिन ख़वातीन ये अपनी आँखों को झुका करके चलें। अल्लाह तबारक व ताला का इरशाद है यालम खाइनतल अयुन, अल्लाह तबारक व ताला को आँखों की खयानत का भी पता है। तो इस्लाम ये चाहता है कि मुआशरे में फहाशी ना फैले, मुआशरे में बदकिरदारी ना फैले, और मुआशरा साफ सुथरा वजूद में आए। तो एक तो ये है कि इससे अल्लाह की नाफरमानी समझ में आती है, दूसरी ये है कि अखलाकी गिरावट होती है, कि इंसान अखलाकी एतबार से गिर जाता है। इसी तरह शख्सियत की तहकीर होती है, कि जब इंसान किसी और मर्द से या औरत से उसके ताल्लुकात बन जाते हैं तो माशरे में उसे अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। इसी तरह इंसान माशरे में फहाशी फैलाने का सबब बन जाता है, गोया उसने माशरे में फहाशी फैलाई। और अगर आप इसको और देखें तो इस तरह के ताल्लुकात से गोया वो अलानिया जिना का इर्तिकाब करता है। और जब कोई शख्स गुनाह को गुनाह न समझे बल्कि उसे लाउबाली पन से ले और किसी हुक्म को अल्लाह के किसी हुक्म को वैसे ही लाउबाली पन से ले तो उलमा फरमाते हैं कि वो कुफ्र तक पहुँच जाता है। तो ख़तरा है कि ऐसा शख्स काफिर हो जाए। जाहिर है कि ज़िना की हुर्मत कुरान करीम में मौजूद है, और अगर कोई शख्स ज़िना को हलाल समझता है और उसे जायज़ समझता है तो उसके कुफ्र में कोई शुबा नहीं है। और फिर इन सब के साथ जो लोग इस चीज़ को बनज़रे इस्तेहसान देख रहे हैं उनके ईमान का भी ख़तरा है कि ये शख्स ईमान से खारिज ना हो जाए। तो दीनी एतबार से बेशुमार नुकसान हैं, लेकिन दीनी एतबार से नुकसान को तो हम ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं। दुनियावी एतबार से अगर आप गौर करें तो शादी से पहले एक साथ मर्द औरत के रहने के बेशुमार नुकसान हैं दुनियावी एतबार से। आप देखिए कि आदमी मतलब का यार होता है, इंसान की जब ज़रूरत पूरी हो जाती है और इंसान का जब मतलब निकल जाता है तो उसके बाद फिर उससे ताल्लुकात को और उससे निबाह को ज़रूरी नहीं समझता। तो जो शख्स किसी खातून के साथ और किसी औरत के साथ रह रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो मतलब का यार है, और जब उससे ज़रूरत पूरी हो जाती है तो फिर उसकी तरफ नज़र भी नहीं करता है। और ये हम देख रहे हैं अखबारात की जीनत जो आजकल चीज़ें बनी हुई हैं उसमें भी अगर हम आप गौर करें तो यही चीज़ें नज़र आती हैं। और इसकी असल में जो चीज़ है वो ये है कि शहवत, कि इंसान ने अपनी शहवत को पूरी करने के लिए और इंसान ने अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ये चीज़ें निकाली हैं कि इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए कि आदमी शादी से पहले कुछ दिन रह ले ताकि उसके हालात से इंसान को वाकफियत हो सके। इस्लाम ये चाहता है कि मर्द औरत के ताल्लुकात ज़िम्मेदाराना हो, वैसे ना हो कि बस ताल्लुकात हो गए, बल्कि इस्लाम का ये कहना है कि मर्द औरत के जब भी ताल्लुकात होंगे तो वो ज़िम्मेदारी के साथ ताल्लुकात होंगे। इसीलिए कुरान करीम की आयत है وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ, कि ये जो औरतें हलाल की गई हैं और तुम उन्हें माल के ज़रिए से तलब करो तो इसका मकसद ये हो कि तुम उन्हें उनकी ज़िम्मेदारियाँ उठाने वाले हो, न ये है कि तुम सिर्फ एक ख्वाहिश पूरी करने और ज़रूरत पूरी करने के नियत से करो। और इसीलिए निकाह मुदा और निकाह मुअक्कत दोनों की दोनों हराम है इस्लाम में, कि आदमी कुछ दिन के लिए निकाह कर ले या आदमी वैसे ही एक शहवत पूरी करने के लिए आदमी निकाह कर ले यानी निकाह का नाम दे दे शहवत पूरी करने के लिए, तो शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। फिर क्या होता है कि ये जो राब्ते की ज़िंदगी है, एक लड़का और एक लड़की की जो राब्ते की ज़िंदगी है और राब्ते की ज़िंदगी में ये दोनों जुड़े हैं, वह आप हज़रात के इल्म में है कि राब्ते का जो ताल्लुक़ होता है वो इंतहाई नाजुक और कमज़ोर होता है, और इस राब्ते की ज़िंदगी में निबाह बहुत मुश्किल होता है। और हम देखते हैं कि ये राब्ते का ताल्लुक़ ज़्यादा दिन नहीं रहता बल्कि ये ख़त्म हो जाता है।
यूरोपीय मुल्कों में, अफ्रीकी मुल्कों में ये चीज़ें मुशाहद हैं, ये देखने की है बिल्कुल, कि रबते में वो लोग रहते हैं, उसके बाद फिर कुछ ऐसी नाचाकी हुई और उसके बाद फिर वो अलहदा हो जाते हैं और कई कई बच्चे हो जाते हैं और बच्चों का सारा बोझ उस बाप पर पड़ने के बजाय इस खातून पर पड़ जाता है और फिर वो परेशान होती हैं। और आपने देखा भी होगा कि बहुत सारी ख्वातीन हैं जो कमर पर लाद लाद करके बोरियां और चलती हैं, और किसी ने जब उससे कहा कि भाई हमारे यहाँ तो इस तरह का अंदाज़ नहीं है कि ये काम तो मर्दों का है, औरतों का काम नहीं है कि अपनी पीठ पर बोरियां लाद करके मजदूरी करें, तो वो जो मैनेजर वहाँ मौजूद था उसने कहा कि फिर ये क्या खाएंगी और इनके बच्चे क्या खाएंगे। तो सारी जिम्मेदारी औरत पर आ जा रही है, मर्द जिम्मेदारी से बरी हो जा रहा है। अफ्रीकी मुल्कों में भी यही है कि इसी तरीके से लोग रहते हुए कई बच्चे हो गए और उसके बाद वो जिम्मेदारी से भरी हो गया और जिम्मेदारी सारी की सारी उस खातून पर आ गई। हालांकि इस्लाम ने किसी भी मरहले में औरत को माश के लिए मजबूर नहीं किया है, बल्कि माश की सारी ज़रूरतें मर्द पर डाली है कि मर्द इस जिम्मेदारी को निभाएगा, औरत नहीं निभाएगी। फिर इन बच्चों का मुस्तकबल क्या है, इनकी तालीम नहीं हो पाती, माशरे में ये अच्छी नज़र से नहीं देखे जाते, वलदुज़्ज़िना समझे जाते हैं, और फिर आगे के जो मसाइल हैं वो बहुत ही पेचीदा मसाइल है कि इनकी कोई तरबियत नहीं, इनकी तालीम नहीं, और ये चीज़ें अगर ज़्यादा तादाद में हों तो फिर मुल्की सतह पर देखा जाए तो पूरे मुल्क का माहौल और पूरा माशरा ख़राब होता चला जाएगा। कैसे बच्चों की तरबियत नहीं होगी, उनकी तालीम का इंतज़ाम नहीं होगा और फिर सारे के सारे बच्चे बिगड़ते चले जाएंगे और मुल्क तबाही की तरफ चलता चला जाएगा। फिर इस औरत को भी, जो औरत इस तरीके से रहती है गैर मर्द के साथ, माशरे में उसे अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। आज भी दूसरे मुल्कों में भी गो के ये आज़ादी का नारा लगा लें लेकिन फिर भी इसे अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, और जिस मर्द ने इसे अपनाया हुआ है उसके दिल में हमेशा ये शक व शुबा रहता है कि जिस तरीके से इसने मुझे अपनाया है और बग़ैर किसी ज़ाब्ते के ये हमारे पास आई है, ठीक इसी तरीके से इसके ताल्लुकात दूसरे से भी हैं, लिहाजा ये मतलबी यार है। इसलिए जो मोहब्बत के जज्बात एक मर्द में होने चाहिए या मसलन औरत में मोहब्बत के जज्बात जो मर्द के तई होनी चाहिए, वो चीज़ें इनमें पैदा नहीं हो पाती और फिर दोनों के ताल्लुकात मोहब्बत के होने के बजाय मतलब के ताल्लुकात होते हैं और जब मौका मिलता है तो ये दोनों अलहदा हो जाते हैं। इसी तरह ख़ानदान की हिमायत और नुसरत भी इन्हें हासिल नहीं होती। जब ये हालात पेश आते हैं तो ख़ानदान वाले हिमायत भी नहीं करते, इनकी नुसरत भी नहीं करते, इनकी मदद भी नहीं करते, बल्कि उनको अलग कर देते हैं, बायकाट उनका किया जाता है। और आप मज़ीद देखें कि इस सिलसिले में अब तक आलमी सतह पर भी और मुल्की सतह पर भी कोई कानून नहीं है। एक इजमाली कानून है कि मसलन हम इसे जायज़ कहते हैं या इसकी हम इजाज़त देते हैं, लेकिन उसके बाद जो हालात पेश आए मर्द और औरत के साथ कि मर्द अलहदा हो गया और कई बच्चे हो गए, तो उसके बाद इसकी जिम्मेदारी किस पर है और इनकी परवरिश और परदाख्त का इंतज़ाम कौन करेगा, इनकी तालीम व तरबियत का इंतज़ाम कौन करेगा, आगे माशरे में जो कुछ ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं इसका ज़िम्मेदार कौन है, इन चीज़ों के हवाले से कोई भी कानून मुरतब नहीं है। अभी मैं पढ़ रहा था कि पंजाब की एक कोई वकील खातून है, उन्होंने कहा कि ये चीज़ें समझने की हैं, ये जो खातून ख़वातीन जो हमारी इस तरफ जा रही हैं उनको समझना चाहिए कि मुल्की तौर पर इस सिलसिले में तो कोई कानून नहीं है, अगर वो इस चीज़ को अपनाती हैं तो बाद में चलकर के जो मसाइल पैदा होते हैं उसको ये किस तरह से हल करेंगी। लिहाजा ख़वातीन को इस सिलसिले में समझने की ज़रूरत है कि उनका इस सिलसिले में इस्तेहसाल हो रहा है, ये हकीकत में आज़ादी नहीं है बल्कि इस्तेहसाल है और उनसे इस्तिफादा किया जा रहा है और उनसे आदमी एक मतलब की चीज़ और मतलब के तौर पर उसको अपनाए हुए है, और जब वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेता है, अपनी ज़रूरत पूरी कर लेता है, तो फिर उस औरत को हटा देता है। इसी तरह आप देखें कि हर इंसान की ये फितरत है और ये ख्वाहिश है
कि जिससे उसको ताल्लुक हो और जिससे उसको मोहब्बत हो, वो चाहता है कि दूसरे से इसका ताल्लुक ना हो। लेकिन ये जो फ्रीडम है, ये जो आज़ादी है, इस आज़ादी में मर्द भी आज़ाद है, औरत भी आज़ाद है, तो जाहिर है कि हम भी किसी से ताल्लुक़ रख सकते हैं और आप भी किसी से ताल्लुक़ रखें। और ये इंसानी फितरत और गैरत के ख़िलाफ़ है कि इंसान एक किसी रकीब को रखे, और ये चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तो वो जो पायदार मोहब्बत होनी चाहिए, वो कभी भी मोहब्बत पैदा नहीं हो जाती, नहीं होती है इनमें, और इसकी वजह से ये सारी परेशानियाँ हैं। तो हम ये समझते हैं कि गैर इज़दिवाजी ताल्लुकात के जिसमें ज़ाबते का ताल्लुक ना हो बल्कि सिर्फ राब्ते का ताल्लुक हो, तो इससे उस इंसान में एक बेखौफी होती है, ना मुआशरे का डर होता है, ना कानून का डर होता है, ना सवाल जवाब का कोई डर होता है, और ना जवाबदेही का कोई डर होता है, जिसकी वजह से ये ताल्लुकात ज़्यादा दिन नहीं चल पाते और बिलआखिर ये ताल्लुकात ख़त्म हो जाते हैं और सारा का सारा वबाल औरत पर हो जाता है कि औरत का इस्तेहसान किया जा चुका होता है, उसकी इज्जत और इस्मत लुट चुकी होती है, और फिर खुदा ना खास्ता बच्चे हो गए तो उस बच्चे का सारा वबाल भी उसी पर हो जाता है, और बेचारी वो कस्ब कुर्सी के आलम में ज़िंदगी बसर करती है, हर मुआशरे में उसे कोई मकाम हासिल नहीं होता। ये निकाह से पहले एक साथ रहने और ताल्लुकात की नौईयत के हवाले से जो ख़राबी थी, वो आपके सामने मैंने दुनियावी एतबार से बयान की। अल्लाह तबारक व तआला ने निकाह को हलाल किया है और निकाह को अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत करार दिया है। हदीस में खुद मौजूद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चार चीज़ें अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, उसमें से एक निकाह भी है। निकाह की हकीकत क्या है कि वैसे तो निकाह की तारीफ़ होती है, लेकिन निकाह को अगर आप देखें तो वो ये है कि मर्द औरत एक साथ रहने और मर्द जिम्मेदारी उठाने के अहद को कबूल करता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक साथ रहने की जो जिम्मेदारी हो सकती है उस जिम्मेदारी को कबूल करता है मर्द। यह है असल निकाह की हकीकत कि वैसे ताल्लुकात सिर्फ नहीं बनाना है बल्कि मर्द इस चीज़ को अपने ऊपर लाजिम करे कि वह औरत की हर तरह की जिम्मेदारी उठाएगा और पूरी इज्जत व अज़मत के साथ उस खातून को अपने घर लाएगा। इसीलिए इस्लाम ने महर को लाजिम करार दिया है कि औरत के लिए ये इज्जत की चीज़ है कि मर्द उसे दे दिला करके, कुछ दे करके, इजहार महब्बत करके उसके बाद वो उसको अपने घर लाता है, और नान व नफ़ा की सारी जिम्मेदारी, सुकना की सारी जिम्मेदारी और जो दूसरे हकूक़ हैं वो सारे के सारे हकूक़ इस्लाम देता है। क़ुरान करीम का इरशाद है وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ कि औरतों के भी वैसे ही हकूक हैं जैसे कि मर्दों के हकूक हैं औरतों पर। अलबत्ते एक अलग बात है कि मर्द को एक गुना फजीलत हासिल है औरत पर, और उस फजीलत को दूसरी जगह कुरान करीम ने बयान किया कि चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको एक जिम्मेदारी दी है, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض, अल्लाह की तरफ से कुछ फजीलत हासिल है मर्द को कि इंसानी साख्तियात कुछ ऐसी है कि मर्द को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़रा मजबूत बनाया है तो ये ज़िम्मेदार बनने की ज़्यादा सलाहियत रखता है। दूसरे ये है कि ये माल कमाता है और कमा करके भी बाल बच्चों की परवरिश करता है, इसकी वजह से एक गुना इसको एक फजीलत हासिल है। तो जो जिम्मेदारी है इस जिम्मेदारी के कबूल करने की वजह से इसको औरत पर एक गुना फजीलत हासिल है, लेकिन हुकूक के एतबार से दोनों के दोनों बराबर हैं। और इसीलिए खुद अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है मिन ज़करिन औ उन्सा फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, के जो भी नेक अमल करे मर्द और औरत तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी देंगे। तो मर्द और औरत की नेकी में अल्लाह तबारक व तआला ने कोई फ़र्क नहीं किया है कि मर्द नमाज़ पढ़े तो उनका सवाब ज़्यादा हो जाएगा और खातून नमाज़ पढ़े तो उनका सवाब कम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो लिहाजा हुकूक मुसावी हैं, मर्द के भी हुकूक मुसावी हैं और औरत के भी हुकूक मुसावी हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अला वस्तौसू बिन्निसाई खैरा, देखो औरतों के साथ अच्छे अच्छे अंदाज से पेश आओ, फ़इन्नमा हुन्ना अवानिन इंदकुम, ये तुम्हारे यहाँ कैद की हालत में हैं कि
तुम्हारे मातहती में ये रहती हैं, और देखो तुम इनके किसी और तरह के कुछ मालिक नहीं हो कि तुमने अपनी मिल्कियत में इसे ले लिया है और इसमें जिस तरह से चाहो इसके अंदर तुम तसर्रुफ करो और इनको जो चाहो तुम कहो। नहीं, इन चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी कैद में है, यानी तुम्हारी मातहती में है और तुम्हारी बात सुन करके ज़िंदगी बसर कर रही हैं और बस। लिहाजा इनके साथ अच्छाई के साथ पेश आओ, भलाई के साथ पेश आओ। क़ुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ قرآن نے تین چیزوں کو سکون کہا ہے، ایک ہے اپنا گھر، دوسرے ہے رات، اور تیسرے ہے بیوی۔ کہ بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون کی چیز قرار دیا ہے۔ اگر نکاح کے مقصد کو ہم دیکھیں اور قرآن و سنت میں غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ نکاح کا اصل مقصد ہے سکون حاصل کرنا۔ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، کہ انسان بیوی اس لیے اپناتا ہے تاکہ اسے سکون حاصل ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بے سکونی تھی، حضرت حوا کو پیدا کیا گیا تو پھر سکون ہو گیا۔ تو نکاح کا جو اصل مقصد ہے وہ سکون حاصل ہونا۔ لہذا جب مرد و عورت ایک ساتھ رہیں گے اور نکاح کا تعلق ہوگا، ضابطے کا تعلق ہوگا، ذمہ داری کا تعلق ہوگا، تو پھر ان کو ایک سکون حاصل ہوگا، سرور حاصل ہوگا۔ اس کے بعد جو بچے پیدا ہوں گے تو اس سے بھی سکون انسان کو ملے گا، اور اس کے بعد آگے کے تعلقات کی جو نوعیت ہے اس سے بھی انسان کو سکون حاصل ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد عورت کے اس تعلق کو مودت والا اور رحمت والا، رافت والا اور مہربانی والا تعلق بنایا ہے۔ اسی لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ محبت تو ہے لیکن شادی کے بعد، شادی سے پہلے محبت نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو تعلقات کی یہ نوعیت حاصل ہو جاوے کہ اس کو محبت ہو جاوے تو اسے چاہیے کہ پھر نکاح کر لے۔ لم تر المتحابین مثل النکاح، بخاری شریف کی روایت ہے کہ تم نہیں دیکھو گے دو محبت کرنے والے آپس میں کہ نکاح سے پڑھ کر کے ان کا تعلق ہو جاوے، یعنی اس طرح کے تعلق ہو جائے تو پھر آدمی کو چاہیے کہ نکاح کی طرف آدمی بڑھے اور پھر نکاح کر لے آپس میں۔ تو سب سے بہترین تعلق اور سب سے بہترین محبت اگر ہو سکتی ہے تو وہ ہے کہ نکاح کے ذریعے سے قائم کیا جائے۔ تو اسلام کا تصور یہ ہے کہ نکاح کے بعد آدمی اس سے اظہار محبت کرے اور محبت کا تعلق اور مودت کا تعلق رکھے۔ اسی لیے ہم ازواج مطہرات میں دیکھتے ہیں، امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو روایتیں ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ امی عائشہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امی عائشہ سے تعلق تھا، اس میں آپ خود فرماتی ہیں کہ میں پانی کی جس جگہ کو، یعنی پیالے میں جو میں پانی پیتی تھی اور جہاں میں اپنے ہونٹ کو اور لب کو رکھتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا لب اور ہونٹ اسی جگہ رکھتے تھے۔ گوشت کی جس بوٹی کو میں اپنے دانتوں سے کھینچتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ دانتوں سے اس بوٹی کو کھینچتے تھے۔ تو اس طرح سے تعلقات کے اظہار کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور خود اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اپنے ارشاد فرمایا اِنَّكَ لَن تُنفِقَ نَفَقَةً، کہ جس خرچ کو تم کرتے ہو، حَتَّ اللُّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فَمِ اِمْرَأَتِكَ فَهِيَ صَدَقَةٌ، کہ وہ لقمہ کہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں دیتے ہو وہ بھی صدقہ ہے تمہارے لیے۔ تو جہاں پہ شہوت ہی شہوت ہے اور جہاں پہ انسان کی نفسانیت ہی نفسانیت ہے، اس کو بھی اسلام نے نیکی کی چیز بنا دیا ہے۔ یہ صرف اس وجہ سے کہ اس تعلق کی وجہ سے انسان برائی سے بچ جا رہا ہے۔ جس طریقے سے نیکی کرنا نیکی ہے، ٹھیک برائی سے بچنا بھی نیکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار محبت کا بے شمار طریقہ بیان فرمایا ہے اور ازواج مطہرات سے اسے برت کر کے بتایا ہے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعض نسائه، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات میں سے بعض کو بوسا لیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، ان چیزوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں، نکاح کے بعد کے جو تعلقات ہیں، وہ بہت ہی عمدہ تعلقات ہوتے ہیں،
कि उसमें न दिल में कोई खटका होता है, ना कोई किसी तरह की कोई परेशानी होती है, और किसी तरह का कोई खौफ भी नहीं होता है, और इंसान बेफिक्री के साथ सुकून वाली ज़िंदगी बसर करता है। तो सुकून निकाह में है, और जो राब्ते वाली ज़िंदगी होती है उसमें बेइत्मीनानी है, जो मर्द ज़न के ताल्लुकात होते हैं। निकाह के आप दीनी फ़ायदे देखें तो बेशुमार फ़ायदे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये तकबील ईमान का ज़रिया है, कि मन नकाह फ़कद इस्तकमल निस्फ़ल ईमान फ़लयत्तक़िल्लाह फ़िल निस्फ़िल बाक़ी, कि जिसने निकाह किया उसने अपने आधे ईमान को मुकम्मल कर लिया। अब आधे ईमान के सिलसिले में और आधी शरीयत के सिलसिले में वो अल्लाह से डरे, इसकी तशरीह है जो उलमा बयान फरमाते हैं। इसी तरह इससे क्या होता है कि नेक औलाद वजूद में आती है, और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि मरने के बाद जो चीज़ें काम आती हैं उसमें से एक नेक औलाद है, और फिर बच्चों पर खर्च करना ये मुस्तकिल सदका है। अंतज़रा आलतन, कि तुम अपने बच्चों को फ़कीर छोड़ो, ये बेहतर है इससे कि तुम अपने बच्चों को मालदार छोड़ो, कि वो किसी के सामने हाथ न फैलाएं। जब इंसान इस दिवाजी ज़िंदगी बसर करता है और ज़िम्मेदाराना ज़िंदगी बसर करता है, तो उसके अंदर उसकी ज़िंदगी की शख्सियत भी निखरती है, उसकी जो शख्सियत है वो भी उसकी ज़िंदगी में निखरती है, और उसी के साथ साथ उसकी शख्सियत भी लोगों के सामने आ जाती है, और फिर लोग उसको एहतराम की नज़र से देखते हैं। फिर ये बाप बनता है, फिर ये दादा बनता है, और ये परदादा बनता है, फिर ये माँ बनती है, फिर ये दादी बनती है, फिर ये नानी बनती है, और इस तरीके से माशरे में एक इज़्ज़त होती है, लोग इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से इसे देखते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उम्मत मुहम्मदिया में ऐसी औलाद वजूद में आती है कि जो औलाद इनके लिए भी ज़खीरे आखिरत है, और इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना बनती है। अगर इसकी तरबियत सही तरीके से की गई हो, इसको सही अंदाज से तालीम दी गई हो, तो फिर ये बच्चे बड़े काबिल होते हैं, और ये बच्चे हमारे लिए ज़खीरे आखरत बनते हैं। और बेशुमार फ़ज़ाइल हैं हदीसों में कि जो बच्चा जब उलूक होता है तब औरत की मग़फ़रत हो जाती है, बच्चे की पैदाइश के वक्त उस वक्त औरत की मग़फ़रत हो जाती है, बच्चे की उस औरत की उस हालत में मौत हो गई तो शहादत की मौत उसे मिलती है, बच्चा जब बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो उसकी मग़फ़रत हो जाती है, बच्चा जब कुरान शुरू करता है तो उसकी मग़फ़रत हो जाती है, बच्चा जब हाफिज़ कुरान बनता है तो उसके लिए बख्शिश का सामान हो जाता है। ये बेशुमार फ़ायदे हैं जो दीनी फ़ायदे हैं, दुनियावी फ़ायदे भी बेशुमार हैं निकाह के। कुरान करीम में मौजूद है कि इंसान निकाह करने से उसकी जो तंगी है वो तंगी ख़त्म हो जाती है। वो अनकहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनू फ़क़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, कि निकाह करो, अगर तुम गरीब हो और फ़कीर हो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अपने फ़ज़ल से तुम्हें मालदार बना देंगे। तो ये दुनिया का फ़ायदा है जिसको कुरान ने बयान किया। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इंसान को सुकून हासिल हो जाता है, जिसको ख़ुद कुरान ने बयान किया। और फिर जायज़ तरीके से अपनी ख्वाहिश की तकमील भी है, और इससे रिश्तेदारियाँ और ताल्लुकात वजूद में आते हैं, और लोग इज़्ज़त करने वाले और एहतराम करने वाले होते हैं। माशरे में एक ये शख्स मुअज़्ज़ज़ देखा जाता है, और ये किसी का दामाद है, और किसी का भाई है, और किसी का कुछ और है, और जो ससुराली रिश्तेदारियाँ हैं और ददियाली रिश्तेदारियाँ हैं, ननिहाली रिश्तेदारियाँ हैं, ये सब चीज़ें वजूद में आती है। वल्लज़ी ख़लक़कुम मिन मा'इन फ़जअलहू मिन नसबिन वसिहरा वकाना रब्बुका क़दीरा, कुरान करीम ने खुद बयान किया कि ये जो हमने ससुराली रिश्ते बनाए हैं ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसे नेमत की चीज़ बनाई। जब इंसान इस तरीके से रहता है, ज़िम्मेदाराना ज़िंदगी बसर करता है, तो इंतज़ाम की सलीकगी भी उसमें आ जाती है कि कैसे ज़िंदगी बसर करनी चाहिए और चंद लोगों को ले करके कैसा चलना चाहिए, माशरे में ज़िंदगी बसर करने का उसे तरीक़ा मालूम हो जाता है। और फिर धीरे धीरे इसके मिजाज में एक इत्तेदाल पैदा हो जाता है। बच्चे मुख्तलिफ ख्याल के होते हैं, मुख्तलिफ ज़हन के, मुख्तलिफ तबीयत के होते हैं, उनके साथ ज़िंदगी बसर करते करते जो शख्स साहिब औलाद ना हो और जो शख्स साहिब औलाद हो, आप देखेंगे कि उसकी शख्सियत और उसकी ज़िंदगी में काफ़ी फ़र्क होता है।
और भाई सबसे अहम चीज़ यह है कि खातून को मर्द का साया नसीब होता है, और जिस खातून को मर्द का साया मिल जाए तो वो खातून दूसरों की नज़र में मुअज़्ज़ज़ हो जाती है, और उसी के साथ साथ वो बिल्कुल बेफिक्र हो जाती है, उसको किसी तरह की कोई फिक्र नहीं होती। जबकि ये चीज़ें उस तरह के ताल्लुक से जो शादी से पहले की है, जो बेज़ाबतगी का ताल्लुक है, सिर्फ रابطे रابطे का ताल्लुक है, उसमें कोई ठहराव नहीं है और उसमें कोई पायदारी नहीं है। तो ये चीज़ें हैं कि जो फ़ायदे की हैं, निकाह के फ़ायदे की हैं, और वो चीज़ें हैं कि जो वैसे ही इंसान बग़ैर निकाह के एक साथ रहे तो क्या क्या नुकसान हैं। तो मेरे भाई, इस्लाम ने जिस चीज़ को कहा है कि निकाह करे आदमी और ज़िम्मेदारी के साथ करे, और उसका मकसद ये हो कि वो घर बसाएगा, और उसका मकसद ये हो कि वो उसे उसकी ज़िम्मेदारी को निभाएगा और उठाएगा, इस ज़िम्मेदारी के साथ निकाह करे और निकाह के साथ इज़्तिवादी ताल्लुकात के साथ इंसान रहे, तो इसके दीनी भी फ़ायदे हैं और दुनियावी भी फ़ायदे हैं। और वैसे रहने से खुद दीन का भी नुकसान है और दुनिया का भी नुकसान है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि हम इन चीज़ों को समझें, और इस्लाम की तालीम की जो हिकमतें हैं, जो हम अपने अंदाज से भी इसको समझ सकते हैं, उन हिकमतों पर गौर करें, और हम फिर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इन तालीमात से मुज़य्यन किया है, और इन तालीमात को हमारा एक ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है कि जिसको हम अपना करके एक खुशगवार और बेहतरीन ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। वआखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल।